सर्दियों में अपने रेगुलर वर्कआउट रूटीन के लिए जागना एक टफ कॉल हो सकता है, और जब बात एक्सरसाइज करने की आती है तो ठंड के दौरान कोजी और कम्फी बिस्तर से बाहर निकलने के लिए खुद को पुश करना यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप भी सर्दियों में ऐसी ही चैलेंजिंग स्थिति में खुद को एनकरेज करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके कुछ काम आ सकती है। जॉगिंग करें या टहले, आप अपने दिन की शुरुआत ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग से करें या फिर अपने घर के आसपास जाकर टहले। यकीन मानिए ये एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है जो आपके दिल को पंप करता है, शरीर को अंदर से गर्मी देता है और आपको दूसरी एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करता है। घर पर एक्सरसाइज करें। अगर सर्दियों में आपका जिम जाकर एक्सरसाइज करना या फिर बाहर जाकर वॉक करने का मन नहीं है तो आप खुद को फिट रखने के लिए घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप घर में कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे योग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने घर में कुर्सी का इस्तेमाल करके आसान एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वर्कआउट पार्टनर बनाएं। वर्कआउट पार्टनर आपको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड रखने में मदद कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ जिम भी जा सकते हैं। ऐसा करने से चाहे कितनी भी सर्दी हो या आलस आ रहा हो, वर्कआउट स्किप करने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार करें। अगर आपका हार्ड वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है तो एक्टिव बॉडी फंक्शनिंग के लिए आप कम से कम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार को एक कंप्लीट एक्सरसाइज माना जाता है। इसमें 8 अलग अलग योगासन होते हैं जिन्हें 12 स्टेप्स में बारी बारी से किया जाता है। इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। नया एक्सरसाइज ट्राई करें। हर रोज एक ही तरह का एक्सरसाइज उबाऊ हो सकता है और इसकी वजह से अगले दिन वर्कआउट करने के लिए आपका मन भी ना करे, इसीलिए कोई नई एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। इसके लिए आप चाहें तो आप अपने मनपसंद गाने पर डांस कर सकते हैं। ओवरऑल फिटनेस के लिए डांस एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। फिटनेस के साथ ही अपने मनपसंद गानों पर डांस करके आप मानसिक रूप से भी एक्टिव रहते हैं।